तो कैसे हो भाइयों, आ चुकी है महिंद्रा ब्लैरो पिकअप गाड़ी और साथ में खड़ी है महिंद्रा ब्लैरो मैक्सी ट्रक गाड़ी। तो दोनों गाड़ियों का आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। दिखाऊंगा आपको महिंद्रा ब्लैरो पिकअप गाड़ी जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, और इसमें एक छोटी गाड़ी आती है जो साथ में खड़ी है महिंद्रा ब्लैरो मैक्सी ट्रक, और क्या दोनों गाड़ियों में अंतर है, कौन सी गाड़ी आपको चुननी चाहिए, कितने की आपको ये ब्लैरो पिकअप गाड़ी मिलेगी बड़ी वाली, और कितने की आपको छोटे वाली मिलेगी ब्लैरो मैक्सी ट्रक गाड़ी, दोनों की हम बात करेंगे इस वीडियो में और बताएंगे आपको कि कौन सी गाड़ी आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ख़रीद लेनी चाहिए और कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर रहेगी। शुरू करते हैं दोस्तों महिंद्रा ब्लैरो मैक्सी ट्रक से और पिकअप से। दोनों गाड़ियाँ फ्रंट लुक दोनों एक जैसी देती हैं। बोनेट की अगर बात की जाए तो सेम साइज़ का छोटा बोनेट दोनों गाड़ियों में अभी आता है जो नई शेप में आती हैं। दोनों जो है लगभग एक जैसी गाड़ियां हैं, आप देख के पहचान नहीं पाओगे। ब्लैरो पिकअप भी देखने में ऐसी है, मैक्सी ट्रक भी ऐसी है, पर साइड में आपको जो बैजिंग मिलेगी वो ब्लैरो पिकअप बड़ी गाड़ी के ऊपर ऐसी ब्लैरो पिकअप की जो है बैजिंग मिल जाएगी, और छोटी गाड़ी के ऊपर ब्लैरो मैक्सी ट्रक की बैजिंग मिलेगी। इसके अलावा पूरी गाड़ी दोस्तों एक जैसी है, सेम है देखने में। और दूसरा अंतर जो इसमें है, इस गाड़ी के टायरों में है। तो टायर जो है गाड़ी के, वो इसमें जो है ब्लैरो पिकअप में बड़े आते हैं, और जो डाला है वो इसका जो है 9 फिट में भी आता है और 8 फिट में भी आता है। जो मैक्सी ट्रक है वो केवल जो है 8 फिट डाले में आती है गाड़ी। तो ये जो मैं गाड़ी आज आपको दिखा रहा हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये बड़ी वाली है ब्लैरो पिकअप गाड़ी जिसका 9 फिट डाला आता है। तो ये 9 फिट डाले वाली गाड़ी है। साथ में कंपेरिजन करूँगा गाड़ी का छोटी गाड़ी का जो मैक्सी ट्रक है 8 फिट डाले वाली, और बताऊंगा दोनों गाड़ियों का कीमत का। दोस्तों अगर नई गाड़ी की पहले कीमत जान ले तो ये जो गाड़ी है ब्लैरो पिकअप गाड़ी, ये नई गाड़ी आपको लगभग 8.5 लाख के पार जो है ऑन रोड पर पड़ती है गाड़ी ऊपर तक बॉडी लगवाने के बाद, और जो छोटी गाड़ी है मैक्सी ट्रक गाड़ी वो 7.5 लाख के आसपास मिलती है। अगर बात करें दोस्तों अंदर से गाड़ी दिखने में कैसी है, तो दोनों गाड़ियां फिर से बता दूं आपको कि लगभग एक जैसी हैं, लेकिन ब्लैरो पिकअप का जो है कैबिन आपको अंदर से थोड़ा ज़्यादा बेहतरीन मिलता है। आपको कैबिन का कलर जो है वो थोड़ा लाइट ब्राउन कलर का जो है मिलता है, और इसमें स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा है मुकाबले के ब्लैरो मैक्सी ट्रक के। तो ये गाड़ी दोस्तों जैसे कि लंबे सफ़र के लिए बनी है, हैवी लोडिंग के लिए बनी है, तो ये गाड़ी को हम सीधी भाषा में बोलें तो इसको प्रो बोल सकते हैं, और जो मैक्सी ट्रक गाड़ी है वो जो है थोड़े लाइट काम के लिए बनी है, जो पिकअप गाड़ी है वो बड़े कामों के लिए बनी है। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि अगर आप पहाड़ी इलाकों में लेके जाना चाहते हैं तो हिमाचल में ऑलमोस्ट जो है ब्लैरो पिकअप गाड़ी लगती है, वहाँ मैक्सी ट्रक गाड़ी नहीं लगती, क्योंकि इसकी जो है दोस्तों ब्रेकिंग रेसिंग की जो है टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है मुकाबले की ब्लैरो मैक्सी ट्रक के। अब आपको दिखा दूं कि ब्लैरो मैक्सी ट्रक देखने में कैसी होती है, और ब्लैरो पिकअप मैंने आपको दिखा दी, और ये लोड जो है अगर इसके फ्यूल टैंक की बात की जाए और लोडिंग की बात की जाए तो ये 1.7 टन पास है, और फ्यूल टैंक की बात की जाए तो 60 लीटर फ्यूल की कैपेसिटी है। वहीं अगर आप ब्लैरो मैक्सी ट्रक की बात करें तो ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं अभी, ये है ब्लैरो मैक्सी ट्रक प्लस गाड़ी, ये भी पावर स्टीयरिंग में आती है, और आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों गाड़ियां देखने में लगभग एक जैसी हैं, और जो बैजिंग का फ़र्क है वो यहां पे है। आप देख सकते हैं वहां ब्लैरो पिकअप की बैजिंग थी, यहां पे आपको ब्लैरो मैक्सी ट्रक प्लस यहां पे देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये दोनों गाड़ियों में अंतर है। उसके अलावा जो है गाड़ी लगभग सेम है, और टायरों की बात की जाए तो इसके टायर थोड़े छोटे हैं, उसके टायर बड़े हैं। इंजन की बात की जाए तो ब्लैरो पिकअप का जो है 2523 सीसी का इंजन है, और इसका जो है इंजन थोड़ा सा उससे कम है। मैक्सी ट्रक का दोस्तों 8 फीट का डाला है और 45 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। तो अगर हम बात करें दोस्तों पे लोड कैपेसिटी की, तो जो 9 फीट डाले वाली ब्लैरो पिकअप है वो 1.7 टन यानी 1700 kg जो है किलो पास है गाड़ी, 1700 kg गाड़ी पास है। तो ये जो गाड़ी है वो 1.3 टन पास है, तो सीधी भाषा में कहें तो 1300 किलो ये गाड़ी पास है। तो प्रो बंदों के लिए जो ज़्यादा वजन उठाना चाहते हैं और जिनके ज़्यादा स्पेस चाहिए, हैवी लोडिंग का जिनका काम है उनके लिए पिकअप बना है, और शहर के अंदर काम करने के लिए, फैक्ट्री के काम के लिए, सब्जी का काम करने के लिए या और थोड़े काम के लिए ब्लैरो मैक्सी ट्रक आपके काम आएगी। हालांकि ये गाड़ी भी बहुत ही ज़बरदस्त है, दोनों गाड़ियों की पूरी डिमांड है, इसके लिए जो है डाले में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, मजबूती है, और ये भी अपना काम बखूबी करती है, लेकिन ज़्यादा गाड़ी जो है ब्लैरो पिकअप ज़्यादा वजन उठा सकती है इसके मुकाबले, और ज़्यादा जानदार गाड़ी है।
अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन बहुत ही काम की बात है। अगर आप बलेरो पिकअप या मैक्सी ट्रक में से कोई एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो को पहले आप पूरा देख लेना दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो सके कि कौन सी गाड़ी आपको ख़रीदनी चाहिए और कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट रहेगी। दोनों गाड़ियों की अगर बात की जाए दोस्तों, तो नई गाड़ियों का लगभग 1 लाख रुपये का आपस में फ़र्क है। तो 1 लाख रुपये अगर आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं या 1 लाख रुपये आप कम खर्च करना चाहते हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि दोनों गाड़ियों के अंदर क्या डिफरेंस है और कौन सी गाड़ी आपके लिए सूटेबल रहेगी, वही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो छोटी गाड़ी है बलेरो मैक्सी ट्रक जो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये भी बहुत जानदार गाड़ी है। तो अगर तो आप शहर के अंदर गाड़ी चलाना चाहते हैं और गाड़ी से माइलेज ज़्यादा लेना चाहते हैं और काम जो है आपका छोटे लोकल एक शहर से दूसरे शहर तक का है, जैसे कि नज़दीकी शहरों में लगभग 100-150 किलोमीटर के दायरे में अगर आपकी गाड़ी घूमती है, तो कम लोडिंग के साथ तो आपको बलेरो मैक्सी ट्रक गाड़ी चुन लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, जैसे पंजाब से हिमाचल या हिमाचल से पंजाब या हरियाणा या राजस्थान में आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं और लोडिंग भी आपकी ज़्यादा है, तो वहाँ जो है आपकी गाड़ी ज़्यादातर हाईवे पे ऊपर चलती है, तो वहाँ आपको बलेरो पिकअप गाड़ी चुन लेनी चाहिए। खासकर दोस्तों आपको बता दूँ, मेरी बात ध्यान में रखना, कि अगर आप पहाड़ी इलाकों में देखे जाते हैं गाड़ी, तो आपके लिए बलेरो पिकअप गाड़ी ही बनी है। दिखाता हूँ आपको क्यों बलेरो पिकअप गाड़ी पहाड़ी इलाकों के लिए बनी है। तो देखिए दोस्तों, जो इसकी शेप है, जो इसकी बनतर है गाड़ी की, वो थोड़ी लंबी है और थोड़ी ऊंची है। ये गाड़ी थोड़ी बड़ी है मुकाबले, आप से देख सकते हैं साथ में खड़ा है मैक्सी ट्रक, तो ये गाड़ी देखने में जानदार और थोड़ी सी बड़ी लग रही है। तो इसका जो है सीधा इम्पैक्ट जो है गाड़ी की चैसी पे भी है और गाड़ी के टायरों पर भी है। तो गाड़ी के टायर बड़े होने के कारण गाड़ी को अच्छा ग्रिप मिलता है और साथ में चैसी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मैक्सी ट्रक के मुकाबले, कि ये पहाड़ी इलाकों में जो ऊपर जब गाड़ी पहाड़ पे चढ़ती है, जब चढ़ाई चढ़ती है, तो जो पीछे को लोड आता है, तो वहाँ जो है गाड़ी के अंदर चैसिस उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो भार को संभाल सके। तो वहाँ जो है आपकी गाड़ी दबती नहीं है, टायर आपके दबते नहीं हैं, बड़े टायर होने के कारण गाड़ी को अच्छा ग्रिप मिलता है। तो वहाँ पर आपको बिग बलेरो पिकअप नो फिट डाले वाली गाड़ी काम आएगी। तो ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये गाड़ी आप ख़रीद सकते हैं। तो ये गाड़ी जो है दोस्तों, ये भी पावर स्टीयरिंग में आती है। और अगर बात की जाए इसके वेरिएंट की, तो ये जो है सेंसर्ड गाड़ी है और ऑलमोस्ट सभी फीचर्स आपको सेंसर्ड गाड़ियों वाले आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगे। बैजिंग आपको साथ में बलेरो पिकअप की मिल जाएगी, पावर स्टीयरिंग का फीचर है, तो हैवी लोडिंग के दौरान भी आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो ये बहुत ही शानदार गाड़ी है। तो अगर हम बात करें दोस्तों अपने फाइनल नतीजे की, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लंबे रूट के ऊपर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो आपको बलेरो पिकअप गाड़ी ख़रीद लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी थोड़ी सी कमी ये है मैक्सी ट्रक के मुकाबले कि इसकी जो है माइलेज थोड़ी कम है। जैसे कि हम बात करें बलेरो मैक्सी ट्रक की, तो वो लगभग जो है आपको 14-15 की माइलेज दे देती है हाईवे के ऊपर, वहीं आपको पिकअप जो है वो लोड होने के बाद आपको 10-11 की माइलेज ही देती है। तो इतना फ़र्क है माइलेज का। तो वहीं जो है माइलेज कम होने के कारण ये गाड़ी जो है आपका लोड भी जो है ज़्यादा उठाती है, तो वहीं आपका मुनाफा जो है लगभग वहाँ पे कवर हो जाता है। तो इसकी डाले क्यों आपको दिखा देता हूँ आपको, तो डाला देखिए बहुत ही बढ़िया डाला लगा हुआ है, इसका जो है स्पेस जो है गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर मॉडिफाई करके आप डाला लगवाते हैं, साथ में मैक्सी ट्रक खड़ी है और उसके साथ ही ये गाड़ी खड़ी है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों डाले का कितना ज़्यादा फ़र्क है, कितनी बड़ी गाड़ी लग रही है। साथ में बलेरो पिकअप, राइट साइड बलेरो पिकअप है और लेफ्ट साइड मैक्सी ट्रक है। तो यही फ़र्क है दोस्तों दोनों गाड़ियों में, एक गाड़ी बड़ी है और एक छोटी गाड़ी है। और लाख रुपये का अगर कीमत की बात करी जाए, तो लाख रुपये का नई गाड़ियों का आपस में अंतर है। तो गाड़ी दोस्तों दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार दोनों में से कोई भी गाड़ी जो है चुन सकते हैं। तो अगर मेरी पसंद की बात की जाए, तो मुझे दोनों गाड़ियाँ पसंद हैं। तो मैं आपको बता दिया मैंने आपको कि अगर आप शहर के अंदर या लोकल गाड़ी चलाते हैं 100 किलोमीटर के दायरे में, और मोस्टली शहर के अंदर आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती है और वजन जो है आप थोड़ा कम उठाते हैं, तो आप मैक्सी ट्रक चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप वजन ज़्यादा उठाते हैं, प्रो हैं, गाड़ी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है और ज़्यादा गाड़ी चलती है, तो वहाँ आपके लिए बलेरो पिकअप गाड़ी काम आएगी। बड़ा इंजन है, ज़्यादा जान है, पहाड़ी इलाकों में भी आपके लिए सेफ्टी भी है,
पावरफुल गाड़ी है, चासिस स्ट्रॉन्ग है, तो जितना मर्जी अगर ओवरलोडिंग भी होती है तो ये गाड़ी जो है ओवरलोडिंग भी सहन कर जाएगी। अगर दोस्तों हम टन की बात की जाए तो पासिंग जो है इसकी 1.7 टन की है, लेकिन ये बड़ी आसानी से गाड़ी 4 टन तक माल उठा के लेके जाती है। इसका पुख्ता सबूत मैंने पोल करवाया था अपने चैनल के ऊपर, वहाँ पर आप जो है देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों आपको वीडियो जो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लें शर्मा ऑडियो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।